राजगांवपुर शहर की थाना पुलिस ने बीजेपी के पूर्व टाउन अध्यक्ष अरविंद साहू तथा उसके भतीजे को अतिरिक्त थाना प्रभारी हेमांगिनी गडरिया के साथ दुर्व्यवहार व धक्का मुक्की करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय खाड़ा गली श्रीराम गली में ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करने वाली महिला अमिता साहू अरविंद साहू के मकान में किराए पर रहती थी। बताया जाता है कि लॉकडाउन के दौरान उक्त महिला भाड़ा देने में असमर्थ हो गई। वही भाड़ा नहीं देने पर मकान मालिक द्वारा उसे परेशान किया जाने लगा। आए दिन बिजली आपूर्ति बंद कर देने के कारण उक्त महिला ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की थी। इस मामले का निपटारा करने के लिए शनिवार को शाम करीब 7 बजे अतिरिक्त थाना प्रभारी हेमांगिनी गडरिया पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंची, लेकिन झगड़ा सुलझाने गई पुलिस के साथ बातचीत के दौरान अरविंद साहू तथा उसके भतीजे राजेश साहू ने अतिरिक्त थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की की। इसकी जानकारी मिलने पर राजगांवपुर थाना प्रभारी गोकुला नंदन साहू घटना स्थल पर पहुंचे और मामले को सुलझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन मकान मालिक अपनी जिद पर अड़े रहे और मकान मालिक एवं उसके परिजनों ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता एवं धक्का मुक्की की। इस कड़ी का सबसे अहम पहलू यह है कि इस मामले को लेकर राजगांवपुर अतिरिक्त थाना प्रभारी हेमांगिनी गडरिया ने एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं का मामला दर्ज करते हुए अरविंद साहू तथा उसके भतीजे राजेश साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।